हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पेसू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 5 है। आज इस पार्ट में हम लोग क्वाइन पे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। क्वाइन पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इंजीनियरिंग सर्विस में भी आ चुके हैं, गेट में भी आ चुके हैं और पब्लिक सेक्टर में आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वाइन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक जो होता है रेशियो पर बेस्ड होता है और दूसरा होता है बेसिक अर्थमेटिक पर बेस्ड होता है। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक जो फोकस होगा रेशियो के क्वेश्चन जो आएंगे क्वाइन पे बेस, रेशियो को यूज करके उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। जिन लोगों से पार्ट 4 तक मिस हो गया है वो पार्ट 4 तक पहले देख लें, क्योंकि पार्ट 4 तक आप देख लेंगे तो ये पार्ट 5 को समझने में आपको हेल्प मिलेगा और इजिली चीज़ों को समझ पाएंगे। वैसे तो जो क्वाइन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनका कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन से ही हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक क्वाइन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि क्वाइन कौन कौन सा एग्जाम में यूज करता है। तो बेसिकली बच्चों 4 टाइप का क्वाइन एग्जाम में यूज करता है। पहला बोलेगा 1 रुपीज का क्वाइन, या फिर बोलेगा 50 पैसे का क्वाइन, या फिर बोलेगा 25 पैसे का क्वाइन, या फिर 10 पैसे का क्वाइन। नॉर्मली ये 4 टाइप के क्वाइन एग्जाम में यूज करता है। अब उसकी मर्जी 2 रुपीज की क्वाइन भी यूज कर सकता है, 20 पैसे का भी क्वाइन यूज कर सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन नॉर्मली ये 4 टाइप के क्वाइन को यूज करता है। तो आपको एक चीज़ आपको आना चाहिए, रुपीज को पैसेज में आप सबको पता होगा कि 1 रुपीज में कितना होता है, 100 पैसा होता है। तो जो पैसे वाले क्वाइन है इसको रुपीज में चेंज किया जा सकता है। अगर 50 पैसा का एक क्वाइन आपके पास है तो आप कितने रुपए आपके पास है, तो आप बोल सकते हो कि सर 50 पैसे का क्वाइन है तो मेरे पास मतलब कि हाफ रुपीज है, तो ये हाफ रुपीज है, क्लियर है। अगर कोई बोले कि 25 पैसे का क्वाइन मेरे पास, तो उसके पास कितने रुपीज़ है, 1/4 रुपीज, तो 1/4 हो जाएगा। उसी तरह 10 पैसा क्वाइन किसी के पास क्वाइन है तो उसका मतलब क्या हो गया कि 1/10 रुपीज है। ये आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करने आना चाहिए। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू होता है बच्चों 100 पैसे, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम में 20 पैसे दे दिया, 20 पैसे, तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करोगे बच्चों, तो खुद सोचो 20 पैसा है तो कितना हो जाएगा, 1/5 रुपीज़, क्लियर है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। या फिर दूसरे भाषा में अगर मैं बोले कि अगर मेरे पास 2 50 पैसे के 50 पैसे के 2 क्वाइन होंगे तो 1 रुपीज़ बनाएंगे, 25 पैसे के 4 क्वाइन होंगे तो 1 रुपीज़ बनाएंगे, 10 पैसे के 10 क्वाइन होंगे तो 1 रुपीज़ बनाएंगे। बस आपको ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, एक एक स्टेप समझना है, क्योंकि जब ये स्टेप समझ जाओगे तो आप इस पे बेस्ट कितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ एक बैग है, ठीक है। बैग में 3 टाइप के क्वाइन है, 50 पैसे का क्वाइन है, 25 पैसे का क्वाइन है और 10 पैसे का क्वाइन है। और ये जो क्वाइन दिया हुआ है वो किस रेशियो में दिया हुआ है, 7:8:3। इसका मतलब ये होता है बच्चों, अगर आसान भाषा में बोलूँ तो उस बैग में अगर 50 पैसे के 7 क्वाइन होंगे तो 25 पैसे के कितने क्वाइन होंगे, 8 होंगे, और 10 पैसे कितने क्वाइन होंगे, 3 क्वाइन होंगे, ठीक है। अब ये जितने भी क्वाइन दिया हुआ है, जितने भी क्वाइन बैग में है, टोटल उनका अगर सम किया जा रहा है तो 87 रुपीज़ बन रहा है। तो आपको बताना है कि 10 पैसे का क्वाइन कितने हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखो बच्चों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो एकदम मैं बेसिक मेथड से आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। मेथड नंबर 1, आपके पास कौन कौन से क्वाइन दिया हुआ है, 50 पैसे, तो यहाँ पे लिख लिया हमने कि 50 पैसे का क्वाइन दिया है। फिर साथ में कितना दिया, 25 पैसे क्वाइन लिख लिया मैंने। फिर दिया हुआ 10 पैसे का क्वाइन, तो 10 पैसे का क्वाइन हमने ऐसे लिख लिया। अब इनका नंबर, अब क्वाइन का जो रेशियो दिया हुआ है बच्चों, देखो तो क्वाइन का जो रेशियो दिया हुआ है 7:8:3, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो 50 पैसे के 7 क्वाइन होंगे तो 25 पैसे के कितने होंगे, 8 होंगे, 10 पैसे कितने होंगे, 3 होंगे, ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ से निकालना है नंबर ऑफ क्वाइन, अगर मान लो हमको नंबर ऑफ क्वाइन की बात करना है कि नंबर ऑफ क्वाइन कितने हैं, तो हम इसको मान सकते हैं इसको 7x क्वाइन है 50 पैसे के। उसी तरह 25 पैसे के कितने क्वाइन मान सकते हैं, 8x मान सकते हैं, जब ये 7x माने हैं तो। उसी तरह 10 पैसे का कितना मानेंगे, 3x मानेंगे। तो ये नंबर ऑफ क्वाइन हो जाएंगे 50 पैसे के 7x क्वाइन, 25 पैसे के 8x क्वाइन, 10 पैसे कितने हो जाएंगे, 3x क्वाइन हो गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर एक क्वाइन रहता 50 पैसे का तो कितने रुपए के बराबर होता है, हाफ रुपीज़ के बराबर होता है। या फिर हम दूसरे लैंग्वेज बोले कि 2 अगर 50 पैसे के क्वाइन होंगे तो कितने के बराबर होंगे, 1 रुपये के बराबर होंगे। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 50 पैसे का मतलब हो गया हाफ रुपीज़, हाफ रुपीज़। 25 का मतलब हो गया 1/4 रुपीज़, और 10 पैसे का मतलब हो गया 1/10 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी जो ये जो 50 पैसे के क्वाइन होंगे कितना रुपीज़ बनाएंगे, तो यहाँ पर अमाउंट में लिख रहा हूँ अमाउंट। तो जो 50 पैसे के जो क्वाइन होंगे बच्चों कितने अमाउंट बनाएंगे, तो 7x क्वाइन है तो इसका जस्ट हाफ रुपीज़ बनाएंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा रुपीज़ को कन्वर्ट करने के लिए, यानी यहाँ से हो जाएगा 3.5x, ये रुपीज़ बनाएंगे अमाउंट। कौन बनाएगा ये,
50 पैसे कॉइन। सिमिलरली अगर 25 पैसे कॉइन कितने अमाउंट बनाएंगे बच्चों, तुम्हारे पास कितने 8x कॉइन है, 8x कॉइन है तो कितने कॉइन मिलके एक रुपया बनाते हैं, चार कॉइन मिलके एक रुपया बनाते हैं, तो इसको चार से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको चार से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2x। ये इतने रुपीज़ बनाएंगे कौन, 25 पैसे के कॉइन। उसी तरह अगर 10 पैसे के कॉइन की बात किया जाए तो हमारे पास टोटल कितने कॉइन है, 3x है। और कितने 10 पैसे कॉइन मिलके एक रुपीज़ बनाएंगे, तो 10 कॉइन अगर रहे 10 पैसे के तो 1 रुपीज़ बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे 3x को किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से। और 10 से डिवाइड करने का मतलब हो गया 0.3। क्लियर है? अब ये अमाउंट बना रहे, अगर हमको टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट की बात करूँ मैं बच्चों, तो टोटल अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, 0.35x + 2x + 0.3x ये होगा। और ये जो टोटल अमाउंट आ जाएगा बच्चों, तो इसको सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 5.8x ये आ जाएगा टोटल अमाउंट। और टोटल अमाउंट जो बच्चों कितना दिया हुआ है, 87 रुपीज़ दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग बोल देंगे कि 5.x = 87। क्लियर है? अब यहाँ से x = कितना आ जाएगा, तो x = निकालोगे तो ये हो जाएगा 870/58। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। x की वैल्यू 15 आ गई। x की वैल्यू 15 का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ कॉइन निकाल सकते हैं, क्योंकि x के मल्टीपल के फॉर्म में x पता है। तो और आपसे पूछा गया है कि 10 पैसे के कॉइन कितने होंगे बच्चों, तो 10 पैसे कॉइन की वैल्यू कितनी है, 3x है। 3x की वैल्यू निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 3 कितना, तो 45 कॉइन हो जाएंगे। ये किसके कॉइन होंगे, 10 पैसे के होंगे। उसी तरह अगर ये तो एग्जाम में पूछा था इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये आपका बी आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन बच्चों इसी एग्जाम में ऐसे भी तो पूछ सकता था कि 10 पैसे कॉइन ना पूछ के पूछता कि 25 पैसे कॉइन कितने हैं, तो 25 पैसे के कॉइन भी निकालना आसान है, वो कितने हैं, 8x हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 में जब 8 का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो 120 होता है, तो 120 कॉइन हो जाएंगे 25 पैसे के। सिमिलरली अगर इसी क्वेश्चन में 50 पैसे के कॉइन पूछता टोटल कितने हैं, तो 7x हो जाएंगे। 7x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 7 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 15 है, तो ये हो जाएंगे 105 कॉइन हो जाएंगे। किसके कॉइन हो जाएंगे, 50 पैसे का। तो ये नंबर ऑफ कॉइन आपसे पूछेगा, तो कॉइन कॉइन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर 10 पैसे का पूछा था आपसे, तीनों में से कोई भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, दो चीज़ें पूछी जाती है। पहला पूछा जाता है नंबर ऑफ कॉइन जो कि इस एग्जाम में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा पूछा जाता है बच्चों वैल्यू ऑफ कॉइन का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये इस चीज़ को समझना। ये दो चीज़ें पूछी जाती है, आपको हमेशा नोटिस करना है कि इन दोनों में से क्या पूछा गया, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। तो कॉइन का मतलब आप समझ गए, कॉइन पूछेगा 50 पैसे का तो 105 हो गया, 25 पैसे कॉइन पूछेगा तो 120 हो जाएगा, 10 पैसे कॉइन पूछेगा तो 45 हो जाएगा, ये कॉइन पता चल गया। अब आपसे वैल्यू ऑफ कॉइन पूछेगा तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जो 50 पैसे के जो कॉइन है वो कितने रुपये बना रहे हैं टोटल। तो 50 पैसे कॉइन कितने हमारे पास, 105 है। तो 105 कॉइन है तो आप खुद सोचो कि 105 कॉइन है तो 105 कॉइन आपको 50 पैसे का दूंगा तो आप कितने रुपीज़ बनाओगे, बोलोगे सर इसका जस्ट हाफ, या फिर ऐसे बोलोगे कि सर 3.5x कॉइन है तो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करना टफ है, हम डायरेक्ट नंबर ऑफ कॉइन से भी तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमको पता है कि 2 कॉइन 50 पैसे करेगा तो 1 रुपया बनाएगा, यानी कि यहाँ से हमको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 105 को जब 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 52.5 रुपीज़। क्लियर है? सिमिलरली अगर हमको पूछे कि 25 पैसे के जो कॉइन है वो कितने रुपीज़ बना रहे हैं, तो 25 रुपीज़ के कॉइन कितने हमारे पास है, 120 हैं। तो 120 कॉइन 25 पैसे के हैं, तो 1 रुपीज़ में कितना कॉइन होता है, 25 के 4 होते हैं, यानी कि अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो 1 रुपये के बराबर होगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, रुपीज़ 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 30 रुपीज़ ये बना रहे हैं, कौन से बना रहे हैं, 25 पैसे के कॉइन बना रहे हैं। अगर सिमिलरली आपसे पूछे कि 10 पैसे का कॉइन कितने रुपये बना रहे हैं, तो आप सोचो कि 10 पैसे कॉइन कितने, 10 पैसे कॉइन रहेंगे तो 1 रुपये बनता है, तो 10 कॉइन है 10 पैसे के तो 1 रुपीज़ बनता है, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन में 10 का डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन 45 है, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों रुपीज़ 4.5 रुपीज़। अब इन तीनों का सम जो बच्चों कितना आना चाहिए, 87 आना चाहिए। अब इन तीनों का सम करके देखो 87 ही आएगा, क्योंकि हमारा यह दिया हुआ है कि इनका टोटल अमाउंट कितना, 87 है। तो यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, एक तो नंबर ऑफ कॉइन पूछेगा, नंबर ऑफ कॉइन में तीनों में से पूछ सकता है कि तीनों का में से कुछ भी बताओ। तो यहाँ से वैसे 10 पैसे का पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो टाइम टेकिंग आपको यहाँ पर लग रहा होगा। क्यों टाइम टेकिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वेरिएबल आ रहा है, तो एक्स वेरिएबल आता है तो थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल कटाओगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, तो ये नंबर फ्रैक्शन में भी आ रहे हैं और साथ में वेरिएबल एक्स भी आ रहा है, तो इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा हेक्टिक हो जा रहा है। अब इस चीज़ को आप आसान तरीके से बनाना चाहते हो बिना एक्स का, बिना फ्रैक्शन में आए हुए, तो वो मैं अब मेथड बताता हूँ कि बिना
वेरिएबल के अब बिना फ्रैक्शन में आए हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड टू है जो कि आपको प्रीफर करना है। मेथड टू में डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैं पहले मेथड वन इसलिए बताया ताकि आपका एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन कैसा भी रहेगा तब सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मेथड टू को ध्यान से समझना कि मेथड टू को कैसे करना है। सिमिलरली आप लिख लो क्या क्या था हमारे पास, कौन कौन से कॉइन थे, 50 पैसे के कॉइन थे, ठीक है भाई, 25 पैसे के कॉइन थे, फिर क्या था, 10 पैसे का कॉइन था। ध्यान से समझेंगे आप लोग। अब आपको पता है कि 50 पैसे के कॉइन कितना बनाते हैं भाई, 1/2 रुपीज बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह 25 रुपीज कितने बनाते हैं, 125 पैसे के 1/4 रुपीज बनाते हैं। 10 पैसे कितने बनाते हैं, तो 1/10 रुपीज बनाते हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक है, ये हमको पता है। अब इनका रेशियो दिया हुआ है बच्चों, रेशियो कितना दिया हुआ है, 7/8/3। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ये एक रेशियो दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ रेशियो, ये नंबर ऑफ कॉइन का। अब मैं बात करूं बच्चों कि नंबर ऑफ कॉइन हमको, हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, ध्यान समझना, यहाँ पे हम लोग 7x मानते थे, 8x मानते थे और 3x मानते थे। तो सबसे पहला टास्क ये है कि हम x न माने, एक काम करते, ये रेशियो दिया है तो ये तो किसी चीज़ रेशियो दिया तो किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसमें, तो ये रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों, ध्यान रखना है हमेशा कि कुछ ऐसे नंबर का, देखो मेन कैलकुलेशन क्या होगा, x को हमको हटाना है पहली बात, दूसरा बात यह है कि नंबर हमको इंटीजर बनाना है, फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं लाना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ आपसे कि 10 पैसे का 3 क्वाइन है तो कितना रुपीज़ बनाएगा, तो 10 से डिवाइड करोगे तो 0.3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये तो 8 है तो चलो 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, लेकिन 50 पैसे का 3 क्वाइन है तो आप बोलोगे कि 3.5 रुपये बनाएगा, 3.5 रुपीज़ बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। तो कुछ ऐसे नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशियो में कि जब 50 पैसे कॉइन बनाए ना वो इंटीजर रुपीज़ बनाए, 25 पैसे का जो कॉइन बनाए वो इंटीजर रुपीज़ बनाए, 10 पैसे का जो कॉइन बनाए वो इंटीजर रुपीज़ बनाए। तो उस कैसे ऐसे नंबर का, वो नंबर कैसे पता करेंगे कि ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें कि क्या है, वो इंटीजर आए। तो देखो बच्चों, इसका सिंपल सा तरीका यही है कि इन तीनों नंबर का जो डिनोमिनेटर है उनमें, देखो तीनों नंबर में सबसे छोटे किस कॉइन की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू है, तो 10 पैसे कॉइन की वैल्यू कितनी है, सबसे छोटी है। तो 10 पैसे कॉइन कितना बनाता है रुपीज़, 1/10, तो डिनोमिनेटर में कितना है, 10। तो जो जो सबसे छोटा कॉइन रहेगा, मतलब जिसकी वैल्यू सबसे कम रहेगी, उस कॉइन को जब रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी उस नंबर से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब उस नंबर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमको करना क्या है कि 7/8/3 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 10 का। 10 का मल्टीप्लाई करने का फायदा देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 70 क्वाइन मान ली हमने, किसका मान ली, 50 पैसे के। 25 पैसे के कितना क्वाइन मानेंगे, 80 मान लेंगे, और 10 पैसे का क्वाइन कितना मान लेंगे, 30 मान लेंगे। देखो ये हमने मान लिया कि हमने ऐसा माना कि नंबर ऑफ क्वाइन कितने, 50 पैसे के 70 है, 25 पैसे के 80 है, 10 पैसे के 30 है। इसका मानने का फायदा क्या हुआ कि जब ये नंबर ऑफ क्वाइन 10 पैसे का दिया है, इसको रुपीज़ में जब कन्वर्ट करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे तो 3 रुपीज़ आ जाएगा, 3 रुपीज़ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मतलब कि वो क्या बन गया आपका, सिंपल सी बात है, वो इंटीजर बन जाएगा। उसी तरह 80 पैसे हैं किसके, 80 क्वाइन किसके, 25 पैसे के, तो इसको 4 से मल्टीपल हो जाएगा। उसी तरह 70 है, 70 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर आ जाएगा। तो 10 का डिवाइड करने का ये फायदा हो गया कि हमने नंबर ऑफ क्वाइन ऐसे मान लिया। अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ कॉइन मान लिया आपने, तो अब सोचो कि अगर अमाउंट अगर निकालते हो आप, सोचो यहाँ पर अमाउंट निकाल लिया, मान लो मैं बोलूँ कि अमाउंट निकालो, तो देखो 70 क्वाइन है किसके, 50 पैसे के, तो इसका अमाउंट निकालोगे तो बोलोगे सर ये 35 रुपया बनाया होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है। उसी तरह 80 क्वाइन किसके, 25 पैसे के, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो उतना रुपीज़ वो बनाएगा, उसकी वैल्यू होगी, तो यानी हो जाएगा 20 रुपीज़ बनाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि 30 क्वाइन 10 पैसे का, तो कितना बनाएगा, 3 रुपीज़ बनाएगा। क्लियर है, ये अमाउंट हो गया। अब ये जो टोटल अमाउंट हमने जो नंबर ऑफ कॉइन माना उसके हिसाब से टोटल अमाउंट आ गया। अब इन टोटल अमाउंट को सम करेंगे, 35, 20, 3, ये हमारा टोटल अमाउंट आएगा बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग टोटल अमाउंट ऐड करके निकाल लेंगे, तो 30, 20 कितना, 50, 55 है, 55 और 3 कितना हो गया, 58। तो हमारे हिसाब से 58 रुपीज़ आ रहा है जो हमने माना है, लेकिन ये 58 रुपीज़ किसके बराबर दिया हुआ है, तो 87 के बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 58 यूनिट की वैल्यू दी है हमारे पास, कितना, 87 दी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 1 हो जाएगी, 1.5। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5। अब 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 आने का मतलब आप क्या समझ रहे हो, अब 1 यूनिट 1.5 आने का मतलब ये हो गया बच्चों कि यहाँ पे हमने 70 यूनिट माना हुआ है, तो एक यूनिट की वैल्यू 1.5 है, तो 70 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसमें 70 का मतलब 1.5 का मल्टीप्लाई करना है। तो जब 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 105 आ जाएगा ये। उसी तरह 80 यूनिट माने हमने नंबर ऑफ कॉइन किसका माना है,
25 पैसे का माना है, तो 80 यूनिट जब माना है तो उसको कितना हो जाएगा 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। अब देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ बच्चों, कि 1.5 का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है किसी भी नंबर में अगर 1.5 का मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर और उसका आधा उसमें ऐड कर दो, वही 1.5 का मल्टीप्लीकेशन आएगा। जैसे यहाँ पे 80 है तो 80 का आधा कितना है 40, तो 80 में 40 ऐड कर दो तो 120 आ जाएगा। सिमिलरली 30 में 1.5 का मल्टीप्लाई करना है तो 30 का आधा इसमें ऐड कर दो, 30 का आधा ऐड करने पर कितना हो जाएगा 45 क्वाइन। तो ये नंबर आप एग्जैक्ट क्वाइन आ गए कि एग्जैक्ट क्वाइन कितने आपके पास हैं 50 पैसे के 105, उसी तरह 25 पैसे क्वाइन कितने हैं 120, उसी तरह 10 पैसे क्वाइन कितने हैं 45। ये नंबर ऑफ क्वाइन एग्जैक्ट आ गए। अब ये नंबर ऑफ क्वाइन एग्जैक्ट आ गए तो इनसे मनी भी तो निकाल सकते हो, या फिर ऐसे सोचो कि हमने जो माना था उसके हिसाब से 35 यूनिट माना था और 35 यूनिट की एक यूनिट की वैल्यू 1.5 है तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 52.5। सिमिलरली 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30। सिमिलरली 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4.5। ये इतना रुपीज़ बनाएंगे, ये अगेन वैल्यू ऑफ क्वाइन, मतलब उस क्वाइन वो क्वाइन सेम टाइप के, जैसे 10 पैसे क्वाइन कितना बनाएंगे 4.5 रुपीज़ बनाएंगे, 25 पैसे क्वाइन कितने बना रहे 30 रुपीज़, और 50 पैसे क्वाइन कितना बना रहे 52.5 रुपीज़। तो डायरेक्ट आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते थे, या फिर ऐसे सोचो कि नंबर ऑफ क्वाइन आपको जब पता चल गया तो नंबर ऑफ क्वाइन पता चल गया तो ये क्वाइन कितने रुपीज़ बनाएंगे वो तो निकाल सकते हो आप। डायरेक्टली 50 पैसे का है तो 2 से डिवाइड करना है, 25 पैसे का है तो 4 से डिवाइड करना है, और 10 पैसे का है तो 10 से डिवाइड करना है, तो ये आपका टोटल आ गया। तो ऐसे अगर आप अप्रोच करते हो तो यहाँ पर ना ही एक्स की जरूरत पड़ेगी और ना ही फ्रैक्शन आएगा। तो यही सेकेंड मेथड को आपको अप्रोच लगाना है। आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मैं काम करता हूँ, 2-3 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और सेम कॉन्सेप्ट को उसमें अप्लाई करेंगे। आपको देखना, आपको अभी थोड़ा लग रहा होगा कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि देखना 2 लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये मेथड आ रहा है तो 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर होगा। एक सिमिलर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही। इसमें क्या दिया कि एक बैग है उसमें 3 टाइप के कॉइन है, ठीक है, क्या क्या क्वाइन है, 1 रुपीज़ का क्वाइन है, 50 पैसे का क्वाइन है और 25 पैसे का क्वाइन है, और उन क्वाइन का रेशियो भी दे दिया है, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना बना रहे हैं वो भी दे दिया है। तो पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस इसमें चेंज ये किया गया है बच्चों कि इसमें 1 रुपीज़ का क्वाइन दे दिया, उसमें क्या था 10 पैसे का क्वाइन दिया था। और इसमें पूछा क्या है कि नंबर ऑफ क्वाइन ऑफ ईच काइंड पूछा है, मतलब आपसे पूछा है कि 1 रुपीज़ के कितने क्वाइन होंगे, 50 पैसे कितने क्वाइन रहे होंगे, 25 पैसे के कितने क्वाइन रहे होंगे। तो सेम क्वेश्चन है, सेम अप्रोच से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे क्या क्या दिया हमारे पास, तो 1 रुपीज़ का क्वाइन दिया है, चलो लिख लिया, फिर 50 पैसे का क्वाइन दिया है लिख लिया, फिर 25 पैसे का क्वाइन दिया लिख लिया। अब ये ऑलरेडी रुपीज़ में है, लेकिन इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 1/2 रुपीज़ होगा। 25 पैसे में कितना होता है, तो 1/4 रुपीज़ होता है। और नंबर क्वाइन का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है 5, 6, 7, हमने ऐसे लिख लिया। अब बच्चों हमारा मेन टास्क ये होता है इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 क्वाइन 25 पैसे का है, जब इसका अमाउंट बनाओगे बच्चों तो वो फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में आएगा, तो हमको कुछ ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि ताकि ये नंबर क्या बन जाए, इंटीजर में बन जाए, सारे के सारे इंटीजर बने। तो देखो हम एक काम करते हैं, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे छोटा क्वाइन कौन सा है, ये वाला क्वाइन सबसे छोटा है, तो इसमें क्या रहा डिनोमिनेटर में, 4 आ रहा है, 4 का मल्टीप्लाई कर दो। जब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, 24 और 28। ये हमने नंबर ऑफ क्वाइन हमने मान लिया, ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हमने माना है कि 20 क्वाइन किसके हैं 1 रुपीज़ के हैं, 50 पैसे क्वाइन कितने 24 है, 25 पैसे क्वाइन 28। ऐसा हमने क्यों माना, ताकि इसका रुपया बनाना आसान है। देखो 1 रुपीज़ का 20 क्वाइन रहेगा तो कितना बनाएगा, तो ये रुपीज़ 20 बनाएगा, चलो ठीक है। उसी तरह 24 क्वाइन अगर 50 पैसे का तो कितना रुपीज़ बनाएगा, तो इसका हाफ रुपीज़ बनाएगा, तो ये हो जाएगा 12 रुपीज़। उसी तरह अगर मैं बोलूँ 28 क्वाइन है 25 पैसे के, तो कितना बनाएगा 1/4 बनाएगा, तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 7 रुपीज़ बना रहा होगा, हमने जो माना उसके हिसाब से ये अमाउंट निकल गया। लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब हमारे हिसाब से अमाउंट कितना आ रहा है बच्चों, तो हमारे हिसाब से अमाउंट आ रहा है 20 + 12 + 7, ये हमारे हिसाब से अमाउंट आ रहा है। अब ये जो हमारे हिसाब से अमाउंट आ रहा है, इसके क्वेश्चन के हिसाब से कितना आना चाहिए 390, तो इसको 390 यूनिट के बराबर कर लेंगे। जब 390 यूनिट के बराबर करेंगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 39 यूनिट इक्वल टू 390। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आने का मतलब सीधा सा जवाब है कि हमने नंबर ऑफ पॉइंट 1 का कितना माना था 20 माना था, तो ये 20 यूनिट माना था, एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो ये कितना नंबर ऑफ पॉइंट हो जाएगा 200 हो जाएगा।
एक्चुअल में हमने माना 20, लेकिन एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। उसी तरह हमने माना है 50 पैसे क्वाइन कितने हैं, 24 हैं, और 24 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी। सिमिलरली हमने माना था कि 25 पैसे क्वाइन कितने, 28 है, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जा रही, 10 आ जा रही है, तो ये नंबर ऑफ क्वाइन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 280। क्लियर है? तो ये नंबर ऑफ क्वाइन निकल गया हमको, और एग्जाम में यही पूछा है कि नंबर ऑफ क्वाइन कौन है, तो 1 रुपये से क्वाइन कितने हैं, 200 है, 50 पैसे क्वाइन कितने हैं, 240 है, 25 पैसे क्वाइन कितने हैं, 280 है। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसके हिसाब से बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि 1 रुपये से क्वाइन है टोटल कितने रुपये बना रहे हैं, तो 1 रुपये से क्वाइन हमारे पास कितने हैं, 200 है, तो कितने रुपीज़ बनाएंगे, डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग कि 200 रुपीज़ बनाएंगे, सीधी सी बात है, 200 रुपीज़ बनाएंगे। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे कि 50 पैसे के क्वाइन कितने रुपीज़ बनाएंगे, तो 50 पैसे क्वाइन कितने, हमारे पास 240 क्वाइन है, और दो क्वाइन मिल के 1 रुपीज़ बनाते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बनाएंगे बच्चों, ये बनाएगा 120 रुपीज़। उसी तरह अगर कोई पूछे कि वो, अगर आपसे पूछे कि 25 पैसे का क्वाइन कितना रुपीज़ बना रहे, तो 25 पैसे क्वाइन कितना हमारे पास, 280 है, तो 280 क्वाइन है 25 पैसे के, तो 4 क्वाइन अगर रहेंगे तो 1 रुपया बनाएंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये जो बना रहे हैं 70 रुपीज़ बना रहे हैं। ठीक है, ये तो एक, ये ऐसे सोचने का तरीका हो गया। या फिर दूसरा ऐसे हो सकता था कि हम एक यूनिट की वैल्यू 10 निकाले हैं, तो अमाउंट हमने 20 यूनिट माना क्वेश्चन अपने हिसाब से, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200। सिमिलरली अगर 50 पैसे की बात करेंगे, तो हमने अपने माना है 12 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो कितना हो जाएगा, 120 रुपीज़ हो जाएगा। तो कुछ भी पूछेगा आप निकालोगे। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, इन तीनों का सम अगर आप क्वेश्चन आप सही किए हो, तो इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 390 आना चाहिए। तो 200 प्लस 120 प्लस 270 कितना आता है, 390 आता है, यानी कि क्वेश्चन क्या है, सही किए अपने। क्लियर है? तो बी आंसर हो गया, ये एक हो गया मेथड वन। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम रिवर्स अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते थे। रिवर्स अप्रोच से सॉल्व करने का मतलब ये हो गया बच्चों कि हमारे पास 1 रुपीज़ का क्वाइन दिया है, 50 पैसे का क्वाइन दिया हुआ है, और 25 पैसे क्वाइन दिया हुआ है। अब इनका रेशियो दिया है 5, 6, 7, ये रेशियो दिया हुआ है बच्चों। तो अगर ये क्वाइन, नंबर ऑफ क्वाइन पूछा है, तो इनका जो भी आंसर होगा उनका रेशियो 5, 6, 7 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना, जिनका रेशियो 5, 6, 7 आना चाहिए। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखो, तो यहाँ पर 0, 0 सब में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 29, 27, 24, 29 तो फर्दर कटेगा नहीं, हमारा रेशियो क्या आना चाहिए, 5, 6, 7 आना चाहिए। इसका मतलब ए आंसर कभी नहीं हो सकता है। सिमिलरली डी ऑप्शन को देखो, डी में भी 0, 0 गया। अब यहाँ पर 29 बचा, 25, 18, इसको फर्दर हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लेकिन हमारा रेशियो कितना आना चाहिए, 5, 6, 7 आना चाहिए। इसका मतलब डी आंसर भी नहीं होगा। अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं, सी ऑप्शन में भी 1, 1, 0 खत्म हो जाएगा जब रेशियो लेंगे, तो 20, 22, 28 आ गया, तो ये कितने सब जाएगा, 2 से जाएगा। 2 का जाने का मतलब हो गया 10, 11, 1, 4, तो 10, 11, 14 का रेशियो आ गया बच्चों। तो 10, 11, 14 ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 5, 6, 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब बी ऑप्शन ही बचा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब निकाल के चेक करना चाहते हैं, तो निकाल के चेक भी कर सकते हैं। 1, 0, 0 गया, बचा क्या, 20, 24 और बचा 28। अब इसको फर्दर डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 5, 6, 7, इसका रेशियो आ जाएगा 5, 6, 7, 5, 6, 7, और यही आना चाहिए था, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसको रिवर्स अप्रोच से निकाल सकते थे। बच्चों याद रखना कि जो क्वाइन का रेशियो दिया हुआ है, अगर नंबर ऑफ क्वाइन पूछा है और क्वाइन का रेशियो तो दिया है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को रिवर्स अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था। अब आई थिंक अब कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों मैं एक बात बता दूँ आप लोग क्लियर, ऐसा हो सकता है कि आप पहली बार जब इसको सॉल्यूशन को देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आपको ऐसा लगा होगा कि सर बहुत टफ है। लेकिन बच्चों जब आप टाइम दोगे, थोड़ा सा सीखोगे ना, तो एकदम आसान है। जब एक बार आप सीख लिए ना, तो 10 to 20 सेकेंड में आंसर, मैक्सिमम 30 सेकेंड। ठीक है, देखो वही कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि आपके पास फ्यू क्वाइन है, क्या क्या क्वाइन है, 1 रुपीज़ से क्वाइन है, 50 पैसे क्वाइन है, 25 पैसे क्वाइन है, और इनका रेशियो दिया हुआ है, और साथ में ये दिया हुआ है इफ़ द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन इज 90। देखो 50 पैसे के क्वाइन जो दे दिया आपके पास, बोल दिया कि 96 क्वाइन है 50 पैसे के, तो टोटल अमाउंट आपसे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टास्क होता है क्वाइन को लिखते हैं, तो हमने क्वाइन को लिख लिया, 1 रुपीज़ क्वाइन है बच्चों, 50 पैसे क्वाइन है, उसके बाद क्या है, 25 पैसे क्वाइन है। ये हमको पता है कि ये बनाता है 1/2 रुपीज़, ये तो आपको याद हो जाएगा 2-3 क्वेश्चन करने के बाद, ये बनाता है 1/4 रुपीज़, और इनका रेशियो दिया हुआ है बच्चों 1:2,
कॉइन का रेशियो दिया 1:3, 1:4। तो जब भी रेशियो फ्रैक्शन में रहता है तो सबसे पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं कि सारे के सारे जो फ्रैक्शन है इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। वो नंबर कैसे पता चलता है बच्चों, तो जितने भी नंबर डिनोमिनेटर में होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ से हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ये हमारा रेशियो आ गया नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो। अब ये नंबर ऑफ कॉइन का हमने रेशियो निकाल लिया बच्चों, तो अब ध्यान देना कि नंबर ऑफ 50 पैसे के जो कॉइन है कितने अपन लोगों को दिया हुआ, 96 दिया है। तो 96 कॉइन का मतलब ये इसकी वैल्यू 96 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू 96 कैसे आएगा बच्चों, तो यहाँ पे 24 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो सिमिलरली जब 96 कॉइन आ गया तो ये नंबर ऑफ कॉइन हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन हमारे पास आ गया 96। जब ये 96 आ गया तो 24 का मल्टीप्लाई करने पर 96 दिया हुआ है, तो यहाँ भी 24 का मल्टीप्लाई होगा। जब 24 का 96 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 12 और 12 तो 14, 144 हो जाएगा कॉइन। किसका 144 कॉइन हो जाएगा, 1 रुपीज़ का कॉइन आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमको निकालना है इसका कॉइन तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा, 24 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और ये हो जाएगा 7। तो 72 कॉइन हो गया हमारे 25 पैसे के। तो अगर नंबर ऑफ कॉइन पूछा होता तो बी का कॉइन दे, मतलब आपको 50 पैसे कॉइन दिया है तो आप 1 रुपीज़ के कॉइन निकाल सकते हैं और 25 पैसे के कॉइन निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका रेशियो उनका दिया हो। अब बताओ ये नंबर ऑफ कॉइन पता चल गया तो अमाउंट भी तो निकाल सकते हो ना बच्चों, अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अमाउंट निकालने का सिंपल तरीका बच्चों कि 144 कॉइन है किसके, 1 रुपीज़ के, तो कितने रुपीज़ बनाएंगे, 144 बनाएंगे। और उसी तरह 50 पैसे कॉइन कितने, 96 हैं, तो इसका हाफ रुपीज़ बनाएंगे क्योंकि 2 50 पैसे कॉइन मिलके 1 रुपीज़ बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, तो ये 48 रुपीज़ बनाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, 72 हैं, तो 4 25 पैसे कॉइन मिलके क्या बनाते हैं, 1 रुपीज़ बनाते हैं, तो 4 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 8, तो ये 18 रुपीज़ बनाएंगे। ठीक है, अब टोटल अमाउंट पूछा है, यहाँ पे पूछा गया टोटल अमाउंट, ध्यान रखना। अगर इस पे पूछे, इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि 1 रुपीज़ कॉइन कितने बना रहे हैं तो 144 बना रहे हैं, 50 पैसे कॉइन कितना बना रहे हैं तो 48 रुपीज़ बना रहे हैं, और अगर पूछता 25 पैसे कॉइन कितना बना रहे हैं तो 18 रुपीज़ बना रहे हैं, लेकिन तीनों का सम करके पूछा था, इन तीनों को ऐड करना है। सिंपल सा नंबर आप ऐड कर सकते हैं बच्चों, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ये 150 और ये हो जाएगा 50 210 आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 210, ऐड करके देखो इसका आंसर आएगा 210, यानी कि टोटल अमाउंट कितना आ गया 210। इन तीनों को सम करना है आपको आपस में, टोटल अमाउंट पूछा था 210 का मतलब हो गया सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन मैंने लिया RRB JEE से आया हुआ है 2014 में, और ये 5 स्टार लगा लेना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। देखो अभी हम लोग 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक बैग है, 3 टाइप के कॉइन है, 1 रुपीज़ कॉइन हमारे पास, ठीक है, 1 रुपीज़ का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है। अब उसके आगे देखना बच्चों क्या लिखा है कि क्वाइन टोटलिंग 125 क्वाइन। इस लाइन का मतलब क्या समझ रहे हो आप, इस लाइन का मतलब ये हो गया बच्चों कि जितने भी क्वाइन है हमारे पास 1 रुपीज़, 50 पैसे और 25 पैसे, सारे क्वाइन को अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल हमारे पास 175 क्वाइन हैं। अभी तक पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें टोटल क्वाइन का सम नहीं दिया हुआ था, लेकिन इसमें टोटल क्वाइन का सम दिया हुआ है। ठीक है, आगे बोला गया इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ क्वाइन ऑफ ईच काइंड आर सेम। अब देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द क्वाइन ऑफ ईच काइंड इज द सेम, मतलब ये हो गया बच्चों, इस लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इस लाइन का मतलब ये हो गया कि 1 रुपीज़ के जितने भी क्वाइन हैं वो जितना अमाउंट बनाएंगे, 50 पैसे के जितने क्वाइन है जितना अमाउंट बनाएंगे, 25 पैसे के जितने क्वाइन है जितना अमाउंट बनाएंगे, तीनों अमाउंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर 1 रुपीज़ के, 1 रुपीज़ के जो क्वाइन है अगर 100 रुपीज़ अमाउंट बना रहे हैं तो 50 पैसे के भी क्वाइन कितने बनाएंगे, 100 रुपीज़ का ही अमाउंट बनाएंगे। 25 पैसे के क्वाइन भी कितने बनाएंगे, 100 रुपीज़ ही अमाउंट बनाएंगे। ये आपको दिया हुआ है और पूछा है टोटल अमाउंट इन द बैग, तो टोटल अमाउंट कितना है बैग में आपसे पूछा गया और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिमिलर प्रोसेस करेंगे, क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो कॉइन लिख लेंगे, तो 1 रुपीज़ का कॉइन दिया भाई, चलो मैंने लिख लिया, फिर 50 पैसे कॉइन दिया है, फिर 25 पैसे का कॉइन दिया, हमने तीनों कॉइन को लिख लिया। हमको पता है 50 पैसे कॉइन कितना बनाता है, 1/2 रुपीज़, 25 पैसे का 1/4 रुपीज़। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना इस लाइन का मतलब कि अमाउंट सेम दिया हुआ है। अमाउंट सेम का मतलब ये हो गया बच्चों कि 1 रुपीज़ का जितना कॉइन बनाएगा उतना ही 50 पैसे का कॉइन बनाएगा, उतना 25 पैसे का अमाउंट बनाएगा। अब मान लेते हैं कि तीनों, ये तीनों 1-1 रुपया बना रहे हैं, ऐसा हमने मान लिया। लेटर सपोज कि तीनों क्या बना रहे हैं, 1-1 रुपया बना रहे हैं।
तीनों एक एक रुपया बना रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि जब हमको अमाउंट पता चल गया है, अमाउंट हमने सबका इक्वल दिया हुआ है, तो हम क्वाइन भी निकाल सकते हैं। तो क्वाइन जब निकालेंगे बच्चों, तो क्वाइन के लिए ध्यान से समझना, क्वाइन अगर मैं बोलूँ कि एक रुपये के क्वाइन अमाउंट 1 रुपीज़ बना रहे हैं, तो उसके पास कितना क्वाइन रहा होगा? तो बोलोगे आप सर एक ही क्वाइन रहा होगा। सिमिलरली अगर कोई बोले आपसे कि 50 पैसे के कितने क्वाइन होंगे जो मिल के 1 रुपया बना रहे होंगे, तो आप बोलोगे सर 2 क्वाइन होने चाहिए 1 रुपये अमाउंट बनाने के लिए। सिमिलरली 1 रुपये अमाउंट बनाने के लिए 25 पैसे क्वाइन कितने होने चाहिए? 4 क्वाइन होने चाहिए। यानी कि क्वाइन का रेशियो हमको पता चल गया कि क्वाइन का रेशियो कितना आना चाहिए, 1:2:4 में आना चाहिए। ठीक है, अब हमको दिया हुआ है टोटल क्वाइन दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हमने जो क्वाइन माना है 4 to 6 7, यानी कि 7 जो क्वाइन है उसकी यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 175 दिया हुआ है। तो 175 दिया है, तो 1 क्वाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 25, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 25 हो गई। जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई बच्चों, तो हमको पता चल गया कि अमाउंट हमने माना था 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 25, तो यानी कि ये 25 रुपीज़ हो जाएगा। सिमिलरली अगर 1 रुपीज़ इसका भी माना था हमने 1 यूनिट, तो ये भी 25 रुपीज़ आ जाएगा, ये भी 25 रुपीज़ आ जाएगा। अब पूछा कि टोटल अमाउंट इन तीनों का सम ही तो पूछा है, तीनों का सम कितना आ जाएगा, 75, तो इसका आंसर हो जाएगा 75, ए इज़ द करेक्ट आंसर डायरेक्ट। क्लियर है, क्योंकि हमने एक एक यूनिट माना हुआ है अमाउंट को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। अगर मान लो इसी में नंबर ऑफ क्वाइन पूछता है कि 1 रुपये का कितना क्वाइन होगा बच्चों, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो नंबर ऑफ क्वाइन कितना हो जाता है, 25। अगर सिमिलरली पूछता है 50 पैसे क्वाइन कितना होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। सिमिलरली अगर 4 यूनिट है किसका, 25 पैसे क्वाइन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 क्वाइन। क्लियर है बात ये। अब देखो आप ऐसे डायरेक्ट क्रॉस भी चेक कर सकते हो कि 25 क्वाइन है 1 रुपये के, तो 25 अमाउंट बनाएंगे। सिमिलरली 50 क्वाइन है 50 पैसे के, तो कितने अमाउंट बनाएंगे, 25 अमाउंट बनाएंगे। सिमिलरली 100 क्वाइन है 25 पैसे के, तो कितना बनाएंगे, 25 अमाउंट बनाएंगे। तो टोटल कितना आ गया, 75। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा रहा था आप निकाल लेते, इसका आंसर ए होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको, तो क्वेश्चन में कुछ भी दे देगा आपको, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लेना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे दिखते हैं पब्लिक सेक्टर में। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन जो होते हैं जो क्वाइन पर बेस्ड होते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है जो रेशियो पर डायरेक्ट बेस्ड होता है, और दूसरा होता है अर्थमेटिक पर बेस्ड होता है। अर्थमेटिक का मतलब होता है कि उसमें बिना रेशियो लगाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक जो हमने 4 क्वेश्चन देखा उसमें रेशियो कॉन्सेप्ट लग रहा था, अभी जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ इसमें रेशियो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट आप अर्थमेटिक से भी बना सकते हैं। देखो रेशियो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फालतू का कैलकुलेशन बढ़ाओगे आप। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो कैसे, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि राजू है, ठीक है भाई, राजू के पास टोटल 14 करेंसी है, ठीक है, और उसमें से इसके पास 20 का नोट है और 10 का नोट है, ठीक है, और वो जो टोटल अमाउंट बन रहा है बच्चों वो 230 का अमाउंट बन रहा है। तो पूछा है कि आपके 10 के नोट कितने हुए राजू के पास, ठीक है, इसमें 10 का नोट पूछा है। इसमें ये भी पूछ सकता था कि 20 के नोट कितने होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है बच्चों कि इसको डायग्राम फॉर्म में सॉल्व करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि 230 अमाउंट बन रहा था, हमने 230 यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो अमाउंट बन रहा है बच्चों, 2 टाइप के नोट बना रहे हैं, एक बना रहे हैं 10 का नोट बना रहा है और दूसरा बना रहा है 20 का नोट। अब हमको यहाँ पे ये नहीं पता है कि 10 के कितने नोट है, 20 के कितने नोट है, लेकिन हाँ ये पता है कि 10 के जितने नोट है, 20 के जितने नोट, दोनों का अगर सम करें तो टोटल 14 आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे पूछा किसका है, 10 का नोट पूछा, तो जिसका नोट पूछा रहा था उसको मान लेते हैं कि एक्स नोट है 10 का। जब 10 का एक्स नोट है तो 20 का कितने हो जाएंगे, तो 20 का हो जाएंगे 14 - x नोट, ठीक है। अब यहाँ से अमाउंट आप निकाल सकते हो, अमाउंट कितना दिया हुआ बच्चों, अमाउंट अगर निकाल लो कि ये दोनों नोट मिल के कितना बना रहा था, ये है 10 x + 20 14 - x, और ये अमाउंट कितना दिया बच्चों, 230 दिया हुआ है। तो 0 0 सब जगह से कैंसिल आउट कर दो, 0 कैंसिल हो रहा था, ये हो जाएगा x + 28 - 2x = 23। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो x = 5 आ गया। x = 5 का मतलब ये हो गया कि आपके पास 10 के कितने नोट हैं, 5 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो बच्चों अगर 20 का x मानते हैं आप ना, तो आप 20 का जब x मानते तो आपका आंसर यहाँ पे x की वैल्यू आ जाता
9 आता, और 9 भी ऑप्शन में रहता आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाते, क्योंकि आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देते कि 10 का पूछा है कि 20 का पूछा है। तो आप चाहते हैं कि एग्जाम में सही करना है, तो जिसका नोट पूछा रहेगा वो उसका नोट को आपको एक्स मानोगे तो आपका कैलकुलेशन आसान होगा। अगर यहीं पे अगर पूछूं कि 20 के कितने नोट है बच्चों, तो 20 के नोट कितने हो जाएंगे, तो ये 20 के नोट कितने हो जाएंगे, 14 टोटल है, ये 5 आ गया तो ये हो गया 9। तो 9 नोट 20 के हैं और 5 नोट क्या है 10 के हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ये तो मेथड 1 हो गया, इसको शॉर्टकट से भी कर सकते थे, रिवर्स अप्रोच भी लगा सकते थे मेथड में। देखो रिवर्स अप्रोच अप्लाई करने का सिंपल तरीका बच्चों कि 5, 6, 7, 5, 6, 9, 10 दिया हुआ है। अगर मान लो, खुद सोचो कि मान लो कि 10 आंसर है, मान लो कि डी आंसर है, तो 10 आंसर है तो 10 का नोट है, मतलब कि 100 बना लिया, बाकी 4 नोट बचे जो किसके हो जाएंगे 20 के, तो 4 × 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 80 बनेगा, लेकिन आपको बनाना कितना है 230, तो डी आंसर होगा नहीं। फिर अगर आप सी को चेक कर, तो सी को कैसे चेक करोगे, तो 9 जो है 10 के नोट है तो ये 90 रुपये बनाएंगे, और 9 10 के नोट है तो 5 जो 14 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 5, अब 5 कितने नोट है तो 5 के कितने 20 के नोट है तो ये कितना हो जाएगा 800, तो ये 190 बनाएगा। ये भी गलत आंसर है क्योंकि आपका 230 आना चाहिए। उसी तरह अगर बी को चेक करना चाहो तो बी को कैसे चेक करोगे बच्चों, तो मान लो कि 6 नोट 10 के हैं तो कितना अमाउंट बनाएंगे 60, बचे कितने नोट 6 के अलावा, तो 6 के अलावा बचेंगे 8, 8 किसके नोट है बच्चों 20 के, तो 8 × 20 तो ये जाएगा 160 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 220, जो कि हमको लाना कितना है 230 लाना है। इसका मतलब ये भी गलत है, बच्चा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसको चेक भी कर सकते हैं, देखो कैसे, अगर 5 नोट है 10 के तो कितना अमाउंट बनाएंगे 50 बनाएंगे, अब बचे हुए नोट किसके बचेंगे 20 के, तो बचे हुए नोट कितने बचे 9, 9 किसके बनाएंगे 20 के अमाउंट बनाएंगे, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप रिवर्स अप्रोच से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन है आप लोग को होमवर्क है बच्चों, होमवर्क नंबर 1 और ये होमवर्क नंबर 2, ठीक है। ये जो है बच्चों रेशियो पे बेस्ड है, डायरेक्ट रेशियो के कॉन्सेप्ट लगा के अप्लाई करना, और ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट अर्थमेटिक से भी कर सकते हो, कैलकुलेशन से डायरेक्ट, जब भी जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे उस टाइप का क्वेश्चन है, इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कमेंट करके बताना है, कमेंट कर तक ध्यान रखेंगे, ऐसे लिखना है होमवर्क 1 और इसके आगे लिखना है ऑप्शन कौन सा है, उसके आगे जो जो आपका ऑप्शन जो करेक्ट, मान लो ए सही है तो एक आगे 200 लिख दिए। सिमिलरली होमवर्क 2 के लिए क्या करोगे, होमवर्क 2 अगर मान लो इसका ऑप्शन सी सही है तो सी लिखोगे, सी 360, क्लियर है। ऐसे करके आप कमेंट करके बताएंगे। तो जो लोग सीरियसली गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो लोग कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सीरीज अच्छी लग रही है, तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी करें, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, बहुत सारे चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे डेली एक क्वेश्चन अपडेट होता है, तो फॉलो करने का फायदा होगा कि डेली आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी पीडीएफ आपको, जो भी पीडीएफ अपलोड होती है सब टेलीग्राम चैनल पे, सारे इन्फॉर्मेशन भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है डेली एक, ठीक है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है, तो आप कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुआ, डायरेक्ट 1 क्लिक से आप ज्वाइन कर सकते हैं।